हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी विंटर शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत मतलब हक शॉपिंग हॉल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए ख़रीदा है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखा देती हूँ कितना सारा सामान मेरे पास रखा है कि मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, तो काफ़ी कुछ है, हो सकता है वीडियो लेंथी भी हो जाए। चलिए बच्चों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विंटर आ गई है तो सबसे पहले हमें बच्चों की केयर करनी पड़ती है ना, कि उनको ठंड ना लगे। उनके लिए सॉक्स, कैप एंड क्या बोलते हैं, जैकेट वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैंने अपने छोटी वाली डॉटर टुक टुक के लिए लिया है इस तरह की जैकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इस तरह से इसमें कैप लगी हुई है, ऊपर एक फुग्गा लगा हुआ है और ये पीच कलर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरे जैकेट पे इस तरह से आप देखिए बटरफ्लाई का प्रिंट हो रखा है और ये काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बता दूँ, इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो कुछ कपड़े जो हैं मैंने वी मार्ट से परचेस किए हैं, और कुछ लोकल मार्केट के अंदर जो शोरूम होते हैं वहाँ से मैंने परचेस किए हैं। तो चलिए, तो ये वाली जो जैकेट है वी मार्ट में है, इसका पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। ये 750 रुपीज़ की, यानी कि 750 की जैकेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए लिया है, जैसे मेरी डॉटर 4 साल की होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है। यहाँ पे आपको देखिए पॉकेट मिल जाती है, पॉकेट के ऊपर इस तरह से आपको कुछ डिज़ाइन मिल जाती है, और अंदर इसमें इस तरह के फैदर लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म करते हैं, कुछ इस तरह से। जब भी आप जैकेट लें, खासकर बच्चों के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो फैदर ही शायद बोलते हैं इसको, जिसमें होता है, जिस कपड़े में, वो काफ़ी गर्म करता है। तो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी जैकेट है और प्राइस इसकी बहुत अच्छी है। और इसको दिवाली के टाइम पर मैंने परचेस किया था तो अच्छे ऑफर भी चल रहे थे, तो इसलिए ये देखिए। तो ये मेरी डॉटर के लिए होगी जैकेट, एंड छोटी वाली डॉटर के लिए अगेन मैंने एक वूलन क्या बोलते हैं स्वेटर परचेस किया है, टॉप भी बोल सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा सी ग्रीन कलर का है ये। इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाइस, और इसका प्राइस आप सुनेंगे ना कहेंगे वाओ, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़। और भी मार्ट के अंदर ना आपको क्वालिटी और बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं अच्छे प्राइस पर। तो इसका देखिए, ये उलन है, अंदर से भी इसमें इस टाइप का कपड़ा लगा हुआ, जैसे कॉटन नहीं होता है उस टाइप का, जो कि गर्म करता है। तरह से देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर है, काफ़ी अच्छा है। जैसे हल्की ठंड है तो जीन्स के ऊपर अगर आप इसको डाल देते हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे सिल्वर कलर का छोटी सी देखिए डिज़ाइन बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है स्टोन की, ये देखिए। तो ये भी है, और ये सिर्फ 220 रुपीज़ का है गाइस, 220 रुपीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। और इसमें का मैंने एक येलो कलर का लिया था, तो उसको मैंने गिफ्ट कर दिया है, किसी के बर्थडे के लिए लिया था, तो काफ़ी अच्छा है ये। एंड अगेन मैंने एक हाईनेक लिया है अपनी छोटी वाली डॉटर के लिए, कुछ इस तरह से हाईनेक है, जैसे पार्टी वगैरह में हम जाते हैं या फिर वाइट फ्रॉक वगैरह डालते हैं ना, तो उसके लिए लिया है। इसके ऊपर से वाइट फ्रॉक वगैरह अगर डाल दो ठंड में ना, ज़्यादा ठंड है तो अच्छा लगता है। और इसकी प्राइस जो है ये 220 रुपीज़ की है, देख सकते हैं, ये भी मार्ट से ही लिया है। इसी के साथ मैंने एक वाइट कलर की पजामी ली है, जैसे वाइट फ्रॉक के नीचे डालने के लिए, कुछ इस तरह से, और इसकी जो प्राइस है 150 रुपीज़ की है, तो कुछ इस तरह से। इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छी मटेरियल का है ये, तो ये मैंने लिया है। और मैं ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करती हूँ आपके साथ, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी लोकल मार्केट और वी मार्ट की भी शॉपिंग आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। और मैं सच बताऊँ, मुझे बच्चों के कपड़े ना वी मार्ट से ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छे होते हैं, है ना, और डिज़ाइन तो एक से एक रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी डॉटर के लिए लिया था, अभी छोटी वाली डॉटर के लिए दिखा रही हूँ मैं सारे, तो कुछ इस तरह से आप, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से एक वूलन ड्रेस मैंने ली है, तो इसका सबसे मैरून कलर का है ये, ऊपर आपको इस तरह से टॉप मिल जाता है। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि दिवाली के दिन मैंने यही पहनाया था, क्योंकि ठंड थी तो यही मैंने डाल दिया था, अच्छा भी लग रहा था। तो कुछ इस तरह से इसमें आपको टॉप मिल जाता है राउंड नेक में,
और उसके साथ आपको ये पैजामी मिल जाती है। पैंट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये उलेन है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये पैंट हो गया, इसका टॉप हो गया एंड इसके साथ में एक जैकेट है। इस तरह से इसको ऊपर से डालते बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक ब्रॉच भी लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं क्रीम एंड मेहरून के कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है गाइस। और ये मुझे 700 में मिला था, ये पूरा जो सेट है ना 700 में मिला था। तो इसमें से कुछ कपड़े मैं पहना चुकी हूँ, कुछ अभी नहीं पहनाया है। तो छोटी वाली बेबी के लिए हो गया एंड चलिए चलते हैं अपनी बड़ी वाली डॉटर के लिए मैंने क्या ख़रीदा उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो एक मिनट, तो बड़ी वाली डॉटर के लिए सबसे पहले मैंने दिवाली के लिए ही लिया था एक ये जीन्स, जो कि वी मार्ट से ही लिया था। दोनों बच्चों के कपड़े जो है मैंने वी मार्ट से ही लिए थे। तो काफ़ी अच्छी जीन्स है ये, जैसे कि मेरी डॉटर अब 12 ईयर के होने वाली है तो बड़ी साइज़ लगती है उसको, हेल्थी भी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जीन्स है जैसे होती है, नॉर्मल बहुत सिंपल सी जीन्स है। कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डैमेज है जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लू कलर में है। और कुछ इस टाइप की जीन्स अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो ये वाली जीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। और ये 900 समथिंग थी, ये 900 अब अभी थी, 900 आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ ऐसी थी। तो जीन्स तो महंगी आती है। और ये ट्विस्ट जीन्स है, इस पर यहाँ पे तो ट्विस्ट जीन्स ही लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया कौन सा ब्रांड है। लेकिन फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है और स्ट्रेचेबल भी है, ये देख सकते हो। तो ये एक मैंने जीन्स लिया था एंड इसके साथ मैंने एक ये टी शर्ट लिया था ब्लैक कलर का, काफ़ी ऐसे ब्लैक कलर की मैंने टी शर्ट लिया था जो कि काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे देखिए चश्मा बना हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्लैमरस गर्ल, और देखिए ये गॉगल बना हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी सिंपल सी टी शर्ट है, ये 150 की टी शर्ट थी, जो कि कपड़ा इसका कॉटन का है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है और बहुत ही अच्छा है ये, देख सकते हैं। तो ऐसे भी जीन्स के साथ इसको वेयर करेंगे तब भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैंने एक इस तरह से कलरफुल डेनिम जैकेट ली है जो कि येलो कलर में है, ऑरेंज आई थिंक ऑरेंज कलर में है ये, हाँ तो ऑरेंज कलर में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दिवाली के दिन उसने पहना था, पिक मैं डाल दूँगी कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरह से देखिए डेनिम ये जैकेट है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। तो बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी कलर्स इसमें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट मुझे यहाँ वहाँ पर यही पसंद आया। यहाँ पर इस तरह से पैच लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बाकी जैसे डेनिम जैकेट होती है बस उसी तरह से है, बस कलरफुल है थोड़ा सा। और ये मुझे 350 रुपीज़ की पड़ी थी। तो साथ ही साथ मैं दाम बताते जा रही हूँ ना, कभी मैं नहीं बताती तो आप ही लोग बोलते हो कि प्राइस भी बताते जाया करिए, ताकि मुझे आइडिया, हम लोग को मतलब आइडिया लग जाए, है ना, आप परचेज़ करना चाहें तो कर सके। तो कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बड़ी वाली डॉटर के लिए है। मैंने एक जैकेट लिया था अगेन अपनी बड़ी वाली डॉटर के लिए, अभी भी मार्च से ही मैंने लिया है। तो कुछ इस तरह से जैकेट है, ये लाइट सी ग्रीन में है, आप जैसा कि देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सी इसकी कैप है। देखिए यहाँ पे जो ये लगे होते हैं रोए टाइप के, ब्राउन कलर का लगा हुआ है जैसे कि भेड़ के बाल उस तरह से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरह से इसमें कैप लगी हुई है और ये जैकेट है, इसमें अंदर देखिए आप फैदर लगा हुआ है, जिसमें जिस जैकेट में ये लगा होता है ना बहुत गर्म करती है, और जैकेट काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ अंदर ये देख के लूँ। चेन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फुल स्लीव है जैसे कि देख सकते हो, इस तरह से कुछ देखिए पैटर्न बना हुआ है चेक में, बर्फी शेप में देखिए। तो कुछ इस तरह से है, ये वाली जैकेट मुझे भी आ जाती है, मेरी डॉटर को भी आ जाती है, दोनों की साइज़ सेम ही है, तो ले लिया है, दोनों लोग मिल काम चला लेंगे, मजाक कर रही हूँ गाइस, उसी के लिए लिया है मैंने इसको। तो ये इसका कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, दोनों लोग गए थे साथ में, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा तो ले लिया। लाइट कलर है और ऐसे कलर ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और अच्छे भी लगते हैं। तो ये एक जैकेट लिया है, ये जैकेट मुझे 1499 रुपीज़ की मिली थी। तो जैकेट तो महंगी मिलती है थोड़ी सी, लेकिन ये प्राइस वाइज काफ़ी अच्छी है, कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको पॉकेट भी मिल जाती है, ये देखिए दोनों साइड से, तो इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है। कपड़े मैंने अपने हस्बैंड के लिए मतलब लिए हैं,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं शर्ट से स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो उनके लिए आई थी, 4 शर्ट आई थी, मतलब उन्होंने खुद पसंद करके लिया था। तो उन्होंने एक अपने बर्थडे पे पहन लिया था, एक दिवाली पे पहन लिया था, एक पहले पहन लिया था, एंड एक ये है ना। तो जो मेरे पास है अभी वही मैं दिखा दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से शर्ट है आइकॉन की, जो साइज है मीडियम है। खोल नहीं रही हूँ मैं पूरा क्योंकि बहुत ज़्यादा समेटने में दिक्कत हो जाएगी। और ये जो शर्ट है 795 रुपीज़ की है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी शर्ट है, ब्लैक कलर की, प्योर कॉटन में, आइकॉन की है, तो अच्छा होता है। तो ये शर्ट है, एंड ये एक जीन्स है उन्होंने ली है। तो इसमें जो उनका साइज़ है वो है 34, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 34 है। और कुछ इस तरह से ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में है ये पूरा, काफ़ी अच्छी है ये। और इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ, नॉर्मली जैसे जेंट्स लोग की जीन्स होती है वैसी है। तो ये जो जीन्स है ये 1399 की है, यानी कि 1400 की, 1 रुपया कम। तो देख सकते हैं इसको, और सॉरी ये 32 साइज़ है, तो भूल गई थी, 32 साइज़ है जी, हाँ 32 साइज़ की है ये। और GAS करके इसका ब्रांड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी है, जैसे जीन्स होती है उसी टाइप में है। और मेरे हस्बैंड को जीन्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो बाकी और कोई बॉटम पहनते ही नहीं है घर में। एंड अगेन हस्बैंड के लिए ये उन्होंने जैकेट पसंद की थी, मतलब काफ़ी अच्छी जैकेट है ये। और ये हाफ़ स्लीव की है, तो इस तरह से भी लोकल मार्केट से ही लिया है उन्होंने, मतलब जहाँ से पैंट शर्ट लिया था, शोरूम है यार, नाम ही याद आ रहा है मुझे क्या था। तो ये किनारी लंदन का है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है किनारी लंदन, और काफ़ी पुराना है। तो इसमें मीडियम साइज़ का उन्होंने लिया है, और इसमें फैदर अंदर से नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं ब्लैक कलर का है अंदर, और ऊपर से आप देख सकते हैं येलो कलर का है, काफ़ी अच्छा येलो कलर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसी जो जैकेट हैं काफ़ी ट्रेंड में है। तो गाइज ये जो जैकेट है ये 1699 की है, ये यानी कि 1700 की पड़ी हुई है ये, तो काफ़ी अच्छी है जैकेट। एंड गाइज एक जैकेट इन्होंने और ली थी, कुछ इस तरह से इनको जैकेट और जीन्स कपड़े जूते का काफ़ी ज़्यादा शौक है इनको, तो जूते का कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये हर सीज़न लेते रहते हैं। तो अभी इसको एक बार भी इन्होंने पहना भी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वाइट कलर की लिया है, और इसको जब इन्होंने पसंद किया ना, मैंने कहा मैं नहीं धुलने वाली इसको, आप ही धुलिएगा, इतनी गंदी होगी, एक ही बार पहनने में गंदी हो जाएगी ये। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ये है इंडियन ट्रेन ब्रांड की तरफ से पफर जैकेट है ये, लिखा हुआ है ऐसा कुछ, देख लीजिए आप। तो मीडियम साइज़ ये भी है, तो काफ़ी अच्छी है, वाइट है, और ऐसी भी जैकेट ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, देख सकते हैं कपड़ा इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने के बाद ना मज़ा आ जाने वाला है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम मलाई के जैसा। तो इसी तरह से है, यहाँ पे छोटू सा देखिए ब्लैक कलर की एक आदमी बना हुआ है, तो इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली जैकेट 2100 की है गाइज, यानी 2100 की है। तो ये वाली जैकेट ना 2100 की है, और ये भी हाफ स्लीव है, तो ये। एंड चलिए नेक्स्ट जैकेट की तरफ से, तो एक इन्होंने लिया है अपने लिए फुल स्लीव की, ये ग्रीन कलर की जैकेट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, ये भी किनारी लंदन की तरफ से है जैसे कि देख सकते हो आप, और ये फुल जैकेट है, इसका भी कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। और मैं बता दूँ आपको ये वाली जैकेट 2000-3000 के प्रॉक्स, तो ये वाली जैकेट 2999 की है जैसे कि देख सकते हो, यानी कि 3000 के आसपास। तो ये कुछ इस तरह की है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये भी है, अंदर इसमें भी फर नहीं लगा हुआ है, और वाइट वाले में भी नहीं लगा हुआ है। तो फटाफट से दिखा रही मैं ताकि वीडियो लेंथ ही ना हो। तो अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं है ना, नवंबर चल रहा है, तो अगले महीने से ठंड ज़्यादा होगी, तो जैकेट ये सब काम आएगी। विंटर को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी शॉपिंग करी है क्या है। तो अगेन हस्बैंड ने मेरे जूता पसंद किया अपने लिए, तो ये रिबॉक का है, तो रिबॉक का है ये, और ये कुछ इस तरह से है वाइट कलर में, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शूज़ है ये, मुझे बहुत पसंद आया।
तो ये शूज है। और तो इस वाले जो शूज का प्राइस है वो मुझे नहीं पता है गाइस, क्योंकि वो खुद लेके आए थे। जब तक मैं हम लोग भी मार्ट में, मैं और बच्चे देख रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तब तक वो खुद लेके आए, उनकी पसंद से ही है, लेकिन काफी अच्छा है। तो ये शूज है, इसका प्राइस मैं बता भी नहीं सकती आपको, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी नहीं है। तो इस तरह से है कुछ, जो कि काफी अच्छा है। तो मैं पूछ के प्राइस जो भी होगा स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला शूज है। सो एंड गाइस, लास्ट में मैं अपना दिखाती हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया। तो मैंने अपने लिए ये सैंडल ली है, जो कि लोकल मार्केट से ही ली है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, और इसमें इतनी हील मिल जाती है आपको, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर कलर का पूरा वर्क है, और ये ऊपर से कुछ नहीं लगा है, ये निकल भी नहीं रहा है। जैसे स्पार्कल होता है ना तो निकल जाता है, तो ये निकल भी नहीं रहा है। और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी सारे चप्पल्स मैंने देखे थे, सैंडल्स देखे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। वो इसको एक नज़र में देखते ही पसंद आ गया। हस्बैंड को पसंद थी, मुझे भी पसंद थी। तो कुछ इस तरह से है। और ये यस डी बी क्वींस की तरफ से है, देख सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो है 680 रुपीज़, देख सकते हैं 680 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छी सैंडल है ये। और बस यही थी। और वी मार्ट में जितने भी कपड़े मैंने दिखाए आपको बच्चों के, उतने परचेज करने पे मुझे एक डबल बेड की ब्लू कलर की बेडशीट जो है एज अ फ्री गिफ्ट मिली थी। दिवाली फेस्टिवल चल रहा था ना उस टाइम, छोटी दिवाली को मैंने ये सारी शॉपिंग करी थी। तो दिवाली के टाइम शॉपिंग करने पे आपको डबल बेड की बेडशीट ऐसा फ्री गिफ्ट मिल रही थी, तो मुझे भी मिली है। बट वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया गाइस, क्योंकि ठंडक के भी कपड़े निकाले मैंने ना, तो इधर उधर सब समेट के मैंने रख दिया। मुझे बिल्कुल मतलब दिख ही नहीं रहा मैंने कहाँ रख दिया, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो पता नहीं तो कहाँ रख दिया है। तो एक डबल बेड की बेडशीट, कॉटन की बेडशीट मुझे फ्री गिफ्ट मिली थी। अगर मिलेगी मुझे तो पिक मैं शेयर कर दूंगी, है ना। और बस यही थी मेरी शॉपिंग। और हाँ, बच्चों के, छोटी वाली डॉटर के लिए मैंने सॉक्स, कैप, ये सब भी लिया है, बट पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो जब भी मिलेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। यही होता है ना, हम ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं तो चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, तो भूल जाते हैं। तो मैंने दो तीन कैप लिया था, सॉक्स लिया था, एंड एक जो बेडशीट मुझे फ्री मिली थी वो थी। तो इतनी शॉपिंग थी मेरी। तो मेरा ये लोकल मार्केट एंड वी मार्ट शॉपिंग हॉल कैसा लगा? आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को आइडिया मिल जाता है इसलिए, और प्राइस भी मैं इसलिए बता रही हूँ, कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ गाइज। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा। तो इनमें से कुछ भी आपको परचेस करना हो अगर वी मार्ट से, तो वहाँ आपके यहाँ भी होगा वी मार्ट, तो वहाँ से कर सकते हो। और वी मार्ट की मुझे प्राइस वगैरह, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं वहाँ से शॉपिंग करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा, और मेरी ये सैंडल कैसे लगी वो भी बताइएगा, ठीक है।